हेलो एंड वेलकम बैक। आज मैं चर्चा कर रहा हूं नरेशन के बारे में। नरेशन जो है यह नरेट नामक भर्व से बना है जिसका अर्थ होता है कहना, और नरेशन का तात्पर्य हुआ कथन। अगर नरेशन को आप डिफाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नरेशन इज ए वे ऑफ टेलिंग और गिविंग इन अकाउंट ऑफ द स्पीच ऑफ द स्पीकर बिफोर अदर्स। वक्ता के द्वारा कही गई बात या कथन को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना, या तो उसी रूप में या फिर बदल करके, उसे हम नरेशन या कथन के नाम से जानते हैं। अगर नरेशन के भाग के बारे में जाने तो नरेशन के दो भाग होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन आप कह सकते हैं स्पीकर यानी वक्ता के कथन को, और इनडायरेक्ट कथन आप कह सकते हैं लिसनर यानी सुनने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वह कितना फेर बदल करके उस चीज को प्रस्तुत करता है। अगर एक नरेशन या स्टेटमेंट को डिवाइड करना चाहे डायरेक्ट नरेशन को, तो दो भागों में आप कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट मे बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड, which is out of inverted comma is called reporting and which is under the inverted comma is called reported. एक कथन के दो भाग होते हैं, reporting और reported। जो inverted comma के ठीक बाहर है उसे reporting side के रूप में जाना जाता है, और जो inverted comma के ठीक अंदर है उसको reporting reported speech के रूप में जाना जाता है। ये हुआ नरेशन के भाग और नरेशन के काइंड। अगर आप नरेशन सचमुच में सीखना चाह रहे हैं तो आपको यह जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि नरेशन में पांच तरह के वाक्य पाए जाते हैं। नरेशन में पांच तरह के वाक्य का जिक्र होता है, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटोरी। असर्टिव की पहचान के लिए यस नो, इंटरोगेटिव इंटरोगेशन मार्क से आप पहचान कर सकते हैं, इंपरेटिव में भी वन से शुरू होता है, ऑप्टेटिव में से शुरू होता है और अंत में एक्सक्लामेशन चिन्ह, एक्सक्लामेटोरी में सरप्राइज का बोध होता है। तो आप इतना पहचान कर लिए तो नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आसानी से चेंज कर सकते हैं। जब आप नरेशन में वाक्य की पहचान कर लें तो पहला स्टेप आता है कि रिपोर्टिंग स्पीच के भर्ब को कैसे चेंज करें। तो असर्टिव में से या टेल का प्रयोग कर लें, इंटरोगेटिव में आस्क या इंक्वायरी का प्रयोग किया जाता है, इंपरेटिव में ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट का प्रयोग कीजिए, ऑप्टेटिव में विश, प्रे, ब्लेस का प्रयोग किया जाता है, वहीं एक्सक्लामेटोरी में एक्सक्लेम्ड विथ एक शब्द लगाना होता है, जोय सौरव वाले। अब नरेशन में इनवर्टेड कोमा हटाने के लिए असर्टिव में डेट का प्रयोग कर लीजिए, ऑप्टेटिव में डेट का प्रयोग किया जाता है, एक्सक्लामेटोरी में डेट का प्रयोग किया जाता है, वहीं इंटरोगेटिव में इफ या डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग किया जाता है, जबकि इंपरेटिव में टू या नोट टू से हटाया जाता है। वही नरेशन में अगर पर्सन का बात करें
तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी एक दो तीन एस और एन के नियम से आप चेंज कर सकते हैं। यदि वही रिपोर्टिंग अगर पास्ट में हो और रिपोर्टेड प्रेजेंट सिंपल तो पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। वहीं अगर रिपोर्टेड पास्ट सिंपल हो तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। शैल को शुड कर दीजिए, कैन को कुड कर दीजिए, मे को माइट कर दीजिए, विल को वुड कर दीजिए, बाकी शुड वुड कुड मस्ट माइट को नो चेंज, यानी चेंज किया ही नहीं जाता है, बाकी दिस को डैट में और बहुत सारे जो रिलेवेंट शब्द है उसको आप देख करके नेक्स्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले खंड में हम बात करेंगे कि नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह से बनाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।